भदोही के पूर्व सांसद एवं माफिया विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और लगातार विजय मिश्रा पर प्रशासनिक दबाव बना हुआ है, वहीं उसके गैंग के सदस्य एवं भतीजे सतीश और पप्पू मिश्रा के खिलाफ एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हुआ। मामला प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र का, जहां टैगोर टाउन क्षेत्र के फतेहपुर बिछुआ में रहने वाले अंकित यादव ने सतीश मिश्रा उर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए भैया, एक दिन 13 तारीख की शाम की बात है, मैं अपने सिस्टर के साथ एटीएम गया था, एटीएम से पैसा निकाला और उसके बाद मैं अपने डेयरी वाले के यहाँ गया था पैसा लेने के लिए, जॉर्ज टाउन बीकानेर के सामने। तो वहाँ से उस साइड से ये आ रहे थे और मैं जा रहा था, तो इनका और हमारा सामना, दोनों लोगों का सामना हुआ। तो इन्होंने इतनी तेज़ राउंड अपनी गाड़ी, थार गाड़ी महिंद्रा 1768 गाड़ी का नंबर है, उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाया और मुझे गाली देते हुए रुक रुक जान से मार डाला। बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी इन्होंने भगा करके मेरा पीछा किया, तो मैं अपनी गाड़ी स्कूटी आगे तेज़ में ले जा करके बीकानेर वाली गली के अंदर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर ये खड़े हो गए चौराहे पर, हिजास्टन चौराहे पर खड़े होकर के इधर उधर देखे, फिर गाड़ी सिविल लाइन्स की ओर लेके चले गए, जहाँ मेरी डेयरी लगती है, दुहाई जहाँ होती है वहाँ पर। तो आगे हमने जॉर्ज टाउन में तुरंत अप्लीकेशन दिया और फिर कैमरा, तो एसओ साहब जो थे उन्होंने कहा ठीक, कैमरा से देखते हैं, अगर आपका बात सच होते तुरंत FIR होता है और सख्त सख्त कार्रवाई होता है इसके खिलाफ। तो फिर जब कैमरा खोला गया तो फिर एकदम सबूत सामने आया और फिर FIR हुआ। आप सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार ने हमारी पहले भी बहुत मदद की थी और हमें पूरा उम्मीद है उन पर कि हमारी फिर से पूरी सहायता करेगी सरकार। इस विषय में ACP शिवकुटी राजेश कुमार यादव ने कहा कि सतीश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा तथा ऋषभ मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल जो है एक अभियोग 148/23 जॉर्ज टाउन थाने में पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद ही अंकित यादव पुत्र मनोज यादव हैं और इनको जो है ऋषभ मिश्रा और सतीश मिश्रा और पप्पू ने के बीच में गाली गलौज हुई और इनको धमकाया, उसके संदर्भ में जो अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।